देखो भाई, आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहला चैप्टर जो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और आज स्टार्टिंग हो रही है। सभी लोग जितने भी होंगे लिखते जाएंगे, पहले मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा, फिर इसके अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर इसके अंदर अपन एमसीक्यू करेंगे, फिर इसके नीट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसी से रिलेटेड टॉपिक वाइज, है ना, सब कुछ टॉपिक वाइज अपन करते जाएंगे, बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अब सुनते जाना बेटा। देखो, लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन क्या होता है? जब सबसे पहले अपन वर्ड सुनते हैं लाइफ स्पेन, तो लाइफ स्पेन का क्या मतलब होता है? कितनी कितनी वो कब तक वो चीज जिंदा रहेगी, है ना। तो अपन उसको क्या कहते हैं, उसकी क्या है? लाइफ स्पेन है, ठीक है। लेकिन ये जो है गलत है। अपन जो सोचते हैं वो अंग्रेजी में इसको सोचते हैं कितना लाइफ पीरियड है ना, पीरियड है, वो गलत है बिल्कुल अपना सोचना, ठीक है। लाइफ स्पेन में एक वर्ड एक्चुअल में आता है, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। जैसे समझो, एक एग्जांपल समझो, एक इंसान था जो कि 60-70 साल तक जी सकता था, ठीक है। लेकिन वो बाइक राइड इतनी तेज करने लगा, है ना, और वो लगभग 22 साल का इंसान था, इतनी तेज बाइक राइड कर रहा था कि वो जो है 22 साल की उम्र में जो है उसको डेथ हो गई। तो आपसे पूछे जाए इस इंसान की क्या लाइफ स्पेन है? 22 बोलोगे आप, ठीक है। ये बंदा जी सकता था 60 से 70 साल तक, लेकिन अब वो बंदे ने जो है, लेकिन उसने क्या किया, उसने गाड़ी तेज चलाई और उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो अब आपकी मुझे लाइफ स्पेन बताओ, 60 से 70 होगा या 22 साल, क्या होगी इसकी लाइफ स्पेन? आपसे क्वेश्चन है, 60 से 70 होगा या 22 साल होगा, ये बताओ। लाइफ स्पेन जो होता है एक एवरेज वैल्यू होती है, एक इंडिविजुअल की नहीं मानी जाती, है ना, वो एक इंडिविजुअल की नहीं मानी जाती, पूरे के पूरे, जैसे ह्यूमन की लाइफ स्पेन देखेंगे, डॉग की लाइफ स्पेन देखेंगे, तो ये बात ध्यान में रखना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है नेचुरल डेथ। क्या है वर्ड बेटा? नेचुरल डेथ। डेथ कैसी होनी चाहिए? नेचुरल। बेटा ये तो एक्सीडेंट से हुई थी इसकी डेथ। इसकी डेथ कैसे हुई थी? एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, ठीक है। तो इधर एक्सीडेंट की वजह से हुई थी डेथ, तो ये जो है ये क्या कहलाई जाएगी? ये लाइफ स्पेन नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। और लाइफ स्पेन की डेफिनेशन में क्या है बेटा? नेचुरल डेथ है बेटा। क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। डेथ की नेचुरल डेथ यहीं पर याद होना चाहिए बेटा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। बोलो जरा, सभी की सभी बोलेंगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ से लेकर डेथ की नेचुरल नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? अब समझना मजेदार बातें कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाए कि बताओ जरा पैरट का लाइफ स्पेन किसका बेटा? पैरट का, ठीक है, किसका? पैरट का लाइफ स्पेन, ठीक है। और बेटा आपसे पूछा जाए क्रो का लाइफ स्पेन बेटा, किसका? क्रो का लाइफ स्पेन, ठीक है। पैरट और क्रो का लाइफ स्पेन बेटा बताओ मुझे, पैरट और क्रो लगभग लगभग सेम साइज के हैं, लगभग लगभग क्या है? सेम साइज के हैं, तो इनका लाइफ स्पेन कितना होना चाहिए? लगभग सेम ही होना चाहिए, लगभग 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 सेम लाइफ स्पेन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। कितना होता है पैरट का पता है आपको? कितना होता है? 140 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पेन होता है, जबकि क्रो का कितना होता है? 15 ईयर्स तक बेटा। कितना? 15 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पेन होता है। तो मुझे एक बात बताओ, पैरट और क्रो किसके बीच में बेटा? पैरट और क्रो दोनों बिल्कुल सिमिलर है। सर कहाँ है सिमिलर? एक तो लाल है, एक काला है क्रो। अरे भाई मैं साइज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? साइज की बात कर रहा हूँ। पैरट और क्रो की साइज क्या बेटा? लगभग लगभग सेम है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? समझ में आई? लेकिन फिर भी लाइफ स्पेन में देखो बहुत ज्यादा अंतर है। देखो ये है लाइफ स्पेन, ठीक है, और बेटा ये है साइज, ठीक है। साइज की अगर मैं बात करूं तो क्या है? सेम है लगभग लगभग, ठीक है, लगभग लगभग अप्रोक्स में बात करूं तो, ठीक है, अप्रोक्स में सेम है बेटा। लेकिन लाइफ स्पेन की बात करूं तो एक का है पैरट का 140 साल और क्रो का कितना बेटा? 15 साल। आ रही बात समझ में? तो बताओ मुझे लाइफ स्पेन और साइज के बीच में कोई कोरिलेशन है क्या?
कोई लाइफ स्पैन और साइज में क्या कोरिलेशन है? हाँ, तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, लाइफ स्पैन का और साइज का कोई रिलेशन नहीं है। अपन क्या सोचते थे कि पैरट और क्रो की लगभग सेम साइज है, सेम साइज है, तो सेम ही लाइफ स्पैन भी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत आसमान, जमीन आसमान का फर्क है भाई, एक की 140 और एक की 15। क्रो की कितनी है? 15। अभी आपको याद करना और लिखना है, लिख लो उसको जल्दी से, कि साइज और लाइफ स्पैन का, ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं है। क्या बोलोगे बेटा? साइज का और लाइफ स्पैन का कोई कोरिलेशन नहीं है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलो, तो ये अपना काम हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात बेटा, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, अब यही एग्जाम्पल को समझाने के लिए एक मैंगो ट्री आया है और एक पीपल का पेड़ आया है बेटा, ठीक है, मैंगो और पीपल का पेड़, ठीक है। ये है मैंगो का पेड़, देखो मैंगो और पीपल दोनों ही बड़े पेड़ है बेटा, मैंगो और पीपल दोनों ही बड़े पेड़ हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों लगभग साइज में सेम है, लगभग क्या है, साइज में दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मैंगो की, तो मैंगो का लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा, कोई बता सकता है कितना होता है? 100 से 150 साल तक। कितना होता है बेटा? 100 से 150 साल तक मैंगो का लाइफ स्पैन होता है। लेकिन पीपल पेड़ भी लगभग उसी के बराबर का ही पेड़ होता है बेटा, सेम साइज होती है बेटा। साइज क्या होती है? दोनों की साइज दोनों की क्या होती है? सेम होती है बेटा। लेकिन लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं, लाइफ स्पैन की बात करूं, तो पीपल का पेड़ बेटा 1000 से 2500 साल तक भी जी सकता है बेटा, 1000 से 2500 साल तक का भी जी सकता है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? लिख लो बेटा जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, मैंगो और पीपल सेम साइज बट डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन लाइफ स्पैन। मैंगो ट्री हैज वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। याद हो गया? समझ में आ गया बेटा? लाइन क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। देखो अब बात करते हैं याली लाइन की, है ना, क्या बोल रही है, Whatever be the lifespan, कितना भी हो लाइफ स्पैन, ठीक है, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। डेथ तो होनी ही है, डेथ तो सर्टेनिटी है ही, ठीक है, किसी ना किसी मृत्यु तो आनी ही आनी है, ठीक है, मृत्यु तो आनी ही आनी है, ये बात ध्यान रखना। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब इसका क्या मतलब है कहने का, वो समझना। देखो बेटा, एक होता है अमीबा, क्या होता है बेटा, ये अमीबा होता है, है ना, अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा सेल होता है बेटा? ये कितने सेल का दिख रहा है आपको? एक सेल का। कितने सेल का दिख रहा है बेटा? एक सेल का दिख रहा है, ये सिंगल सेल्ड है बेटा। ये क्या है? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। कौन बेटा? अमीबा, है ना। अभी अमीबा जब मान के चलो बेटा इस तरीके से टूटेगा बेटा, इस तरीके से क्या होगा बेटा, टूटेगा इस तरीके से, देखने की कोशिश करना, ठीक है, ये देखो। तो क्या होता है समझना, देखो मैं अमीबा से बात करता हूं, मैंने अमीबा से बोला भाई क्या चक्कर है, तू इमोर्टल कैसे है? अमीबा से पूछा गया कि तू इमोर्टल कैसे है? समझना, रटना नहीं है वर्डों को। इम का मतलब क्या होता है और मोर्टल का क्या मतलब होता है, ये अपन बताएंगे। आज भी मैं लैटिन लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज भी मैं बताऊंगा कि किसका क्या मीनिंग होता है। देखो इम का मतलब क्या होता है और मोर्टल का मतलब क्या होता है, ये बताओ। मोर्टल मतलब होता है, ठीक है, मोर्टल का मतलब होता है बेटा डेथ। मोर्टल का मतलब क्या होता है बेटा? डेथ। और इम का मतलब क्या होता है? तो बेटा इसकी क्या नहीं होती,
बताओ क्यों नहीं डेथ होती? चलो अमीबा से ही पूछ लेते हैं। हाँ भाई अमीबा, क्या चक्कर है तुम्हारी डेथ क्यों नहीं होती? सब कह रहे हैं तुम्हारी डेथ नहीं होती, क्या चक्कर है? अच्छा हाँ बताओ जरा क्या बात है। देखो अमीबा क्या कह रहा है सुनना, अमीबा क्या कह रहा है सुनना, सर डेथ क्यों सुनना ढंग से। देखो बेटा क्या कह रहा है सर, ऐसी बात है, देखो कोई भी चीज जब डेथ होती है, जब किसी चीज की डेथ होती है तो उसमें अपन को डेड बॉडी मिलती है। जब भी किसी चीज की या कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो अपन उसकी डेड बॉडी मिलती है कि नहीं मिलती? आप मुझे बात बताओ, ये अमीबा है जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है दो में डिवाइड करेगा बेटा ये, ठीक है तो इसकी बीच में डेड बॉडी कहाँ है? कहीं आपको डेड बॉडी मिल रही है क्या यहाँ पर? डेड बॉडी मिली क्या बताओ भाई, जल्द डेड बॉडी मिली क्या यहाँ पर? जब डेड बॉडी नहीं है तो हम इसको मृत कैसे घोषित कर दें? इसको डेथ कैसे मान लें कि इसकी डेथ हो गई है? जब आरीबा समय में नो डेड बॉडी नो डेथ, सीधी बात, नो बकवास, नो डेड बॉडी नो डेथ, ठीक है डेड बॉडी नहीं है तो कोई डेथ ही नहीं मानेंगे कि इसकी डेथ हुई है, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या किया तुमने ऐसा कि तुम्हारी डेड बॉडी नहीं मिली? अच्छा तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी डेड बॉडी ही नहीं मिल रही? तो देखना सुनते जाना भाई इसने क्या जवाब दिया। देखो सर ऐसा है, जब भी मैं बूढ़ी होने वाली होती हूँ, क्या होने वाली होती हूँ? बूढ़ी होने वाली होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देती हूँ। किस कितने सेल में? ये पहली डॉटर सेल बेटा और ये दूसरी डॉटर सेल बेटा, तो दो ये डॉटर सेल्स कहलाई जाती है। क्या क्या कहलाई जाती है? डॉटर सेल्स कहलाई जाती है, ठीक है ये डॉटर सेल्स है। ये कितनी है बेटा डॉटर सेल्स? देखो डॉटर सेल्स कहो और कहो, ठीक है यंग वंस कहो, देखो एक ही हर जगह आपको ये वर्ड देखेंगे बेटा, ये याद होना चाहिए, ये बेसिक्स है, ये तीनों चीजें एक ही है बेटा। चाहे आप डेथ, चाहे आप क्या कहो बेटा, डॉटर सेल्स कह लो, चाहे आप ऑफस्प्रिंग कह लो, ऑफस्प्रिंग की जो है स्पेलिंग ये नहीं है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है ऑफस्प्रिंग कह लो, चाहे आप यंग वंस कह लो, सब एक ही चीज है, या फिर कह लो बच्चे, सब एक ही चीज है, सब अलग अलग जो है, सब मोह माया में फंसने के तरीके हैं, सब एक ही चीज है, बस एक ही चीज को बता रहे हैं बच्चे। किसको बता रहे हैं? बच्चे, डॉटर सेल्स, ऑफस्प्रिंग, यंग वंस, ठीक है। तो देखो भाई सीधी बात यह है कि ये जब भी बूढ़ी होने वाली होगी तो दो में डिवाइड कर दी जाएगी, डिवाइड कर लेगी, डेथ बॉडी मिलेगी नहीं, बच्चे मिलेंगे लेकिन डेड बॉडी नहीं मिलेगी। इसलिए कैसी है बेटा अमीबा? अमीबा है इमोर्टल। कैसी अमीबा? इमोर्टल है। ऐसे ही बेटा और भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही बेटा और भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? इमोर्टल होते हैं। ये लाइन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सबकी जो डेथ है वो निश्चित है, सबकी जो डेथ है वो निश्चित है, सर्टेन है, ठीक है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ दो क्योंकि इनकी जो ये जो है कैसे होते हैं? इमोर्टल। कैसे होते हैं बताओ भाई? मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? मोर्टल। कैसे होते हैं बेटा? मोर्टल। और यूनिसेलुलर कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर कैसे होते हैं? इमोर्टल। यूनिसेलुलर कैसे होते हैं बेटा? इमोर्टल। क्लियर है ये बात समझ में आ गई सबको? भाई अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है गुलाब का फूल कितने साल जीता है? 5 से 7 साल, वो भी बेटा जैसे रिलेशनशिप की तरह होता है बेटा, गुलाब का फूल भी इससे ज्यादा टिकती नहीं है बेटा, याद रखना बेटा, ठीक है तो याद रखना बेटा 5 से 7 साल के से ज्यादा रिलेशन भी नहीं टिकती, रिलेशनशिप भी नहीं टिकती और बेटा फूल भी नहीं टिकता, ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब तुम फूल को तोड़ देते हो, तोड़ के रख देते हो तो 2-3 दिन में ही मुरझा जाता है, 2-3 दिन में क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। आर्या सोन में कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया है? फूल को तोड़ो मत, ठीक है बस और क्या है। चलो बेटा ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ये कितना जीता है? 5 से 7 साल तक जीता है, ये बात ध्यान में रखना, फूल, ठीक है रोज, ठीक है। और दूसरा बेटा लगभग लगभग 20 से 25 साल लगभग लगभग मान के चलो, ठीक है 20 से 25 कितनी होती है?
20 से 25 कर लो, एक कुत्ता और डॉग। अब देखो आपके, मैं आपको नोट्स दूंगा, तो सुनो, मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें एग्जैक्ट ये चीजें लिखी होंगी, ठीक है? सुनो, नोट्स में सारी की सारी एग्जैक्ट ये चीजें लिखी होंगी, है ना? लेकिन कुछ चीजें याद रखना, वो आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी मेनली, है ना? वो कौन सी है कि जो लाइफ स्पैन होता है बेटा, वो होता है आपका, एक तो होता है आपका एवरेज वैल्यू होती है बेटा। कैसी वैल्यू होती है? एवरेज लिया जाता है। कैसे लिया, क्या लिया जाता है बेटा? एवरेज लिया जाता है लाइफ स्पैन का। सर कैसे? जैसे मान के चलो तुम कुत्ते ले लो, कुत्तों की तुम कितनी लाइफ स्पैन लेकर के चल रहे हो? रेंज होती है बेटा इनकी, क्या होती है? रेंज होती है, ठीक है? 20 से 30 साल, है ना? ये बात ध्यान रखना, लाइफ स्पैन हमेशा किसमें, ये लिखा नहीं है कहीं भी, लेकिन आपको लिखना है लाइफ स्पैन किस फॉर्म में रहता है बेटा? रेंज रहती है उनकी। क्या रहती है? रेंज रहती है 20 से 30। ह्यूमन की क्या लाइफ स्पैन है? लगभग 60 से 70। क्या बोलोगे बेटा? ह्यूमन की कितनी लाइफ स्पैन है? 60 से 70। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? तो ये भी रेंज है, देखो 50 हो गई, ये भी क्या है? ये भी एक क्या बंद होती है, ठीक है? तो ये भी क्या बेटा? रेंज है, ये बात ध्यान में रखना। अब रेंज क्यों है? एक एग्जांपल सुनो बेटा, देखो तुमने बोला डॉग का लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा? डॉग का कितना लाइफ स्पैन है? 20 से 30 साल बेटा। कितना है? 20 से, मतलब डॉग का कितना होता है? 20 से 30 साल होता है। देखो अलग अलग प्रकार के डॉग होते हैं, एक होता है पोमेलियन और एक ऐसे मुंह वाला कौन सा होता है, पग होता है, ठीक है ना? बोर्डा कौन सा कुत्ता, बोर्डा कौन सा ब्रांड एम्बेसडर, और कौन सा होता है? जर्मन शेफर्ड, और कौन सा होता है? पिटबुल, पिटबुल, पिटबुल तो सिंगर भी है ना। चलो और कौन सा होता है? हस्की, और बुलडॉग, लेब्रा, बुलडॉग, लेब्रा, ठीक है भाई। चलो भाई एक बात ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, लगभग 20 से 30 के आसपास जो है। अब देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो है ये जर्मन शेफर्ड है। क्या है बेटा? ये जर्मन शेफर्ड है। अब सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। अब तुम जर्मन शेफर्ड की लाइफ स्पैन अलग है, ठीक है? और जो तुम्हारा पिटबुल होगा उसकी लाइफ स्पैन अलग है। सबकी अलग अलग वैल्यूज है, सबकी क्या है? अलग अलग है, इसलिए अलग अलग भी वैल्यूज होती है, है ना? लेकिन अपन क्या करके ले चलते हैं? एवरेज लेकर के चलते हैं बेटा। क्या लेकर के चलते हैं? एक एवरेज रेंज लेकर के चलते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एवरेज रेंज लेकर के चलते हैं। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये एवरेज रेंज होती है, ठीक है? तो एवरेज रेंज लेकर के चलते हैं, ये बात ध्यान रखना। कौए की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 15 साल, और तुम्हारे पैरेट की 140 साल बेटा, 140 साल, ठीक है? अब जैसे कहीं जगह इस ये लिखा होगा 3 से 7 मंथ, तो कहीं जगह लिखा होगा 3 to 4 मंथ भी लिखा होगा कहीं जगह, पर कोई इशू नहीं है। 3 से 7 में 4 भी आई गया ना बेटा, तो अपन बड़ा वैल्यू लेकर के 3 से 7 लेकर के चलते हैं, ठीक है? ये क्या है बेटा? वीट है बेटा। क्या ये वीट है ना? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? चलो अब सुनते जाना बेटा। देखो अब आपको जो जो लाइफ स्पैन याद करने हैं वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सभी बोलेंगे, ठीक है? पहला बताओ जरा। एक तो अपन ने टॉर्टोइस कर लिया, और कौन सा कर लिया? और मैंगो पढ़ लिया, और क्रोकोडाइल, और ठीक है, बताते जाना बेटा, ये अपन को करने हैं, ठीक है? टॉर्टोइस की कितनी है? टॉर्टोइस की कितनी है? 100 to 50, 100 से 150। चलो और फिर उसके बाद क्रोकोडाइल, पहले मैंगो लिख लो बेटा, मैंगो ट्री की कितनी है? इसकी भी 100 से 150 है, ठीक है? और उसके बाद बेटा रोज की कितनी है? देखो एक होता है बटरफ्लाई की याद रखना बेटा, जितनी छोटी है ये उतना ही उसका लाइफ स्पैन भी छोटा है। वैसे डिपेंड नहीं करता, लेकिन याद रखना भाई, बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन कितनी होती है? बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन होती है 1 से लेकर 2 वीक्स तक बेटा। कितनी होती है लाइफ स्पैन बटरफ्लाई की? 1 to 2 वीक्स बेटा। कितनी? 1 to 2 वीक्स सिर्फ, ठीक है? यानी एक हफ्ते में वो मर जाती है, एक हफ्ते के आसपास, 1 से 2 हफ्ते के बीच में, ठीक है? और दूसरी बात बेटा, ठीक है, अब देखो बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स होता है, और बताते जाओ जल्दी। पैरट कितना बताया मैंने? पैरट का बताते जाओ, 1
140 ईयर्स, और क्रू का कितना बताया, कितनी बताई बेटा 15 ईयर्स, कितनी बताई, सबको याद होनी चाहिए, यहीं पर याद, यहीं पर ही पूछूंगा बेटा, और 15 ईयर्स, और क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स, यहीं पे लिख देता हूँ क्रोकोडाइल, इसकी कितनी है 60 ईयर्स, ठीक है, और ठीक है, अभी आप क्या है? अभी ये याद करो, मेन अभी ये याद करो जल्दी जल्दी, मैं पूछ रहा हूँ सभी से, बरगद के पेड़ की लाइफस्पैन होती है बेटा 200 से 300 साल, कितनी होती है, ये है बनियान ट्री, बनियान कौन कह रहा है, बनियान है बेटा ये, क्या है बनियान, हाँ चलो भाई ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना 200 से 300 साल होती है इसकी, कितनी 200 से 300 साल होती है बेटा, ये अपना नेशनल पेड़ है, पता आपको किसी को पता है, बरगद का पेड़ जो है हमारा नेशनल पेड़ है, ट्री है इंडिया का, नेशनल पेड़ है ये, नेशनल ट्री है बेटा ये, अच्छा नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर, हॉर्स, टाइगर होता है बेटा नेशनल, ठीक है, नेशनल बर्ड कौन सी है, शुतुरमुर्ग, कौन कह रहा है शुतुरमुर्ग, चलो और ये बताओ सर, नेशनल फ्लावर कौन सा होता है, लोटस, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब तुम लोग सभी दूसरी पास हो, मतलब ठीक है, सभी दूसरी पास हो, मतलब ठीक है, वेरी गुड है ना, चलो बधाई हो आप सबको सेकंड पास करने की, ठीक है, चलो बेटा आप सुनते जाना, देखो ये अपन ने मेन याद कर लिए हैं, ठीक है, अब सुनते जाना बेटा, देखो ये अपन ने मेन याद कर लिए हैं, चलो अब सुनना बेटा, देखो एक लाइन लिखी हुई है जस्ट के बाद, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, किस किस को इसका मतलब जानता है, कोई ऐसा है जिसको ये मतलब जानता है इसका, सुनो भाई तुमने तो अंग्रेजी का फिर अंग्रेजी कर दिया भाई, अभी ना देखो सुनो भाई, कंटिन्यूटी सुनो, एक बात ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, और क्रिश्चियन माइथोलॉजी की, अलग अलग माइथोलॉजी के अनुसार सबसे पहले दो जीव आए, ठीक है, सबसे पहले कौन आए, दो जीव आए, जैसे क्रिश्चियन कहता है एक आया एडम और एक आई ईव, एडम और ईव, कौन बेटा, एडम और ईव, ठीक है, ऐसे ही जो है हिंदू में भी हुआ, और ठीक है, तो ऐसे हिंदू माइथोलॉजी में भी हुआ, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, हर जगह यही होता है बेटा, है ना, तो जितनी भी माइथोलॉजीज होती है ना, तो सब में क्या बोल रहे हैं, एक है लड़का और एक है लड़की, ठीक है, इनकी इच्छा हुई रिप्रोडक्शन की तो बेटा तुम लोग हो, अगर इनकी इच्छा नहीं होती रिप्रोडक्शन की तो बेटा सब खेल खत्म हो जाता, ना आज तुम होते ना तुम्हारे, ठीक है, समझ लो बात को, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती, ना तुम्हारी बहन होती, ना कोई कुछ भी नहीं होता, सब खत्म, इनकी एक इच्छा थी बेटा, बस इनकी एक इच्छा हो गई, चलो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और बच्चे पैदा कर लेते हैं, इनसे ये आए, फिर उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आया, ये आए, ठीक है, तो ये बेटा ये क्या है, ये जनरेशन है ये, ठीक है, क्या बेटा ये जनरेशन, ठीक है, जैसे ये जनरेशन क्या हो गई, ये जनरेशन हो गई फर्स्ट, ये क्या जनरेशन हो गई फर्स्ट, ये कौन सी हो गई सेकंड, और ये कौन सी हो गई जनरेशन, जनरेशन कौन सी हो गई ये बेटा थर्ड हो गई, आदिवासन में तो एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी ऐसी जनरेशन आती जाती है बेटा, अगर तुम समझ लो तुम आज से मना कर दो, तुम सब लोग कि हम आज से प्रोडक्शन करना बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, आज से तुम लोग प्रण ले लो, एक बार क्लास में प्रण लेकर के जाओ, और मैथ्स वालों को भी बोल देना, फिजिक्स केमिस्ट्री सबको बोल देना, ठीक है, सबको बोल देना कि आज से कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो उसके बाद बेटा ऐसा होगा कि ह्यूमन प्रजाति होगी लोग बोले, और आज से सभी खत्म पा ले, सर वीडियो शो नहीं हो रहा, चलो इधर देखो हाँ भाई, तो सीधी बात ये है बेटा, एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी क्यों आती है बेटा, किसकी वजह से हो पाता है, सिर्फ एक ही वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, किसकी वजह से हो पाता है ये, रिप्रोडक्शन की वजह से, अगर मान के चलो थर्ड जनरेशन बना कर दे कि आज से हम जो है बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो बेटा क्या फोर्थ जनरेशन आ पाएगी, क्या कोई जनरेशन ह्यूमन की आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, क्या कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाएगी ह्यूमन की,
क्या ह्यूमन का अस्तित्व होगा? ह्यूमन निपट जाएगा, बाकी सब जो है जो डॉग वॉग होंगे सब घूमेंगे बेटा, है ना? आ रही बात समझ में? चलो अब सुनते जाना बेटा, ठीक है? चलो भाई, क्योंकि बेटा वो तो कहीं भी जहां जगह मिलती है वहां रिप्रोडक्शन कर देते हैं, तो पता ही है, ठीक है? चलो तो ये सब जो अब बात करते हैं आगे की, सुनते जाना बेटा। देखो देखो अब मजा आना चालू हुआ है, सुनो। देखो बेटा देखो, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ किसकी वजह से है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, क्या होता है बेटा? एक जनरेशन से फर्स्ट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है, ठीक है, उसे कहते हैं कंटिन्यूटी। एक के बाद एक, एक के बाद एक जनरेशन आ रही है, उसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और अर्थ पर किसकी वजह से हो पाया? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन किसकी वजह से आ पाई बेटा? रिप्रोडक्शन की वजह से। ये बात ध्यान में रखना। तो अभी आपके में क्वेश्चन पूछा गया बेटा यहाँ पर, ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? ऐसी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे अपन बहुत सारी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखो, क्या हुआ है कि वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या लिखोगे? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, ठीक है? चलो अब अपन थोड़े कुछ एमसीक्यू नीडियम्स के भी करते हैं, ठीक है? अब सुनते जाना भाई, देखो, ठीक है? नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपको बताना है बेटा ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, फॉलोइंग हैज हाईएस्ट, ठीक है, या मैक्सिमम लाइफ स्पैन, ठीक है? चैट पर बोलेंगे कोई भी, ठीक है? कोई भी जवाब नहीं देगा, ठीक है? मैं आप सबसे पूछूंगा, कोई भी बोलेगा नहीं, अपना अपना मुंह बंद रखेंगे, ठीक है? और अगर बात ही कर बोलना भी है तो चैट पर बोलेंगे। पहला है क्रोकोडाइल, ठीक है? सेकंड ऑप्शन है आपका ह्यूमन बीइंग, ठीक है? थर्ड ऑप्शन है आपका पैरट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका, बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका भाई? सी। कैसे होगा भाई सी, बताओ जरा कैसे होगा? क्रोकोडाइल का कितना बेटा? 60। इसका कितना? ह्यूमन बीइंग का 60 से 70 के आसपास इसका भी, ठीक है? पैरट का कितना है? 140। और क्रू का कितना बेटा? 115, ठीक है? चलो 115 भाई, क्या होगा सिर्फ 15, ठीक है भाई? तो ये आगे समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो ये बात ध्यान रखना बेटा। देखो ये दूसरा इस फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? देखो किस क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो अरेंज द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन, अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन बेटा। आप सभी को चैट पर बताना है बेटा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? अभी उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? क्या क्या दिया हुआ है? क्रोकोडाइल वही ऑप्शन है बेटा, बटरफ्लाई, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, क्रो। अब आपको उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जानते हो, ठीक है? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा किसका लाइफ स्पैन है बताओ जरा, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर यानी क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बेटा बड़ा बेटा, है ना?
अरेंज करना बेटा, बताते जाओ क्या क्या होगा इसका। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा बटरफ्लाई, क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ क्या है, लिख लेते हैं अपन यार, लिख लेते हैं बटरफ्लाई का कितना है, 1 से लेकर 2 वीक्स तक, ठीक है, कितना है 60 से लेकर 70 तक बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्रो का कितना है, ठीक है, देखो क्रो का कितना होता है बेटा, 15 ईयर्स है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, ये 1 से 2 वीक्स है बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 देखो तो बेटा क्रोकोडाइल कितनी है, 60 ईयर्स, इसकी 1 to 2 वीक्स, इसकी 16-17 ईयर्स, याद रखना 15 ईयर्स, ठीक है। क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हाँ 60 सर बताएं, 60 जल एवरेज है बेटा, एवरेज मीन वैल्यू जानते हो मैथ्स में पढ़ा अपन ने, मीन मीडियन मोड, तो ये मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा सबसे पहले क्या होगा, सब तो समझ में आ ही गया होगा, सबसे कम किसका है, बटरफ्लाई का, तो सबसे पहले क्या होगा बटरफ्लाई, उसके बाद क्या होगा सभी बताएंगे, क्रो, क्रो क्या होगा, क्रो होगा, क्योंकि क्रो की क्या है 15, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, उसके बाद ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, चलो बेटा ठीक है, तीन तीन वर्ड, ठीक है, रोज अपन जो है तीन चार वर्ड पढ़ेंगे ताकि अपन समझे, देखो कार्नी, ठीक है, और एक होता है ओमनी, और ठीक है एक होता है हर्बी, क्या इसका क्या मतलब होता है, हर्ब का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट्स, ठीक है चलो, और प्लांट्स होते हैं, और ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब क्या होता है, बोथ, और कोई ओमनी का मतलब क्या होता है भाई, ओमनी तो सर एक गाड़ी आती है सर, मांसाहारी, ओमनी वैन है, ओमनी का मतलब होता है बेटा ऑल, कार्नी का मतलब क्या होता है, कोई देखे जिसमें दम है, कार्नी मतलब मीट बेटा, क्या होता है कार्नी का मतलब मीट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोर्ड, ये क्या बेटा प्रीफिक्स है, ये क्या बेटा प्रीफिक्सेस है, ये पहले यूज होते हैं, पी फॉर प्रीफिक्स, पी फॉर पहले यूज होते हैं बेटा वर्ड के, और ये बेटा क्या है सफिक्स है बेटा, ये बाद में यूज होते हैं वर्ड के, ये सफिक्स है बेटा, वोर, वोर यानी क्या होता है, ठीक है, वोर यानी क्या होता है, एक बार चलो सुनो भाई, देखो देखो वो वोर का मतलब क्या होता है बेटा, वन दैट ईट, ठीक है, बताओ वोर का मतलब क्या होता है, वन दैट ईट, तो ऐसा जो ईट करे किसको, मीट को, उसे क्या कहेंगे अपन, कार्निवोर, क्या कहेंगे बेटा, कार्निवोर, कार्निवोर क्या होता है सभी जानते हैं, अब समझ में आया, अभी जो तुम रख रहे थे, वोर यानी क्या होता है ईट करना, ठीक है, कार्नी मतलब क्या होता है मीट, है ना, ठीक है, ठीक है, कार्निवोर, ठीक है, ठीक है, मीट, वन डेट ईट, वन डेट ईट, ठीक है, तो वन डेट ईट, सुनो बेटा, वन डेट ईट meat is called carnivore, one that eat all is called omnivorous, सब खा जाए वो omnivorous है, अपन कैसे होते हैं बेटा omnivorous, सब खा जाते हैं, चाहे हम plants भी खा जाएंगे, meat भी खा जाएंगे, सब खा जाएंगे, cockroach, केचुले, सब खा रहे हैं अपन तो, snakes, Chinese लोग सब खा जाते हैं बेटा, कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है, आर्या समय में, ठीक है, चलो भाई आर्या समय में देखो, और ओमनी यानी ऑल, सब खाने वाले, कार्नी यानी मीट, और हर्ब यानी हर्बीवोर, यानी क्या होता है प्लांट ईटिंग, प्लांट ईटिंग जो होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर, जैसे काऊ वगैरह, वो क्या होती है हर्बीवोर, कार्निवोर कौन होते हैं टाइगर, जो मीट खाते हैं बेटा, टाइगर कौन होते हैं कार्निवोर, ठीक है, ये आएगा तुम्हारे इकोलॉजी चैप्टर में, यहीं पर ही आएगा बेटा, इकोलॉजी चैप्टर में आएगा ये आगे चल के, है ना, ये वर्ड आएंगे तो रटना नहीं है अपन को, वैसे तुम्हें पता होंगे लेकिन फिर भी ये तुम लोगों ने ऐसे याद कर लिए होंगे, ठीक है, और भी अपन आज और भी करेंगे, देखो भाई सुनो, देखो कार्नी यानी मीट, ओमनी यानी ऑल, हर्ब यानी प्लांट्स, ठीक है, वो यानी वन डेट ईट, ठीक है, चलो ओमनीवोरस कौन होता है, ओमनीवोरस का एग्जांपल बता सकते हो, क्रो एंड डॉग, ह्यूमंस, डॉग, डॉग कहाँ से खाता है प्लांट, डॉग ब्रेड वगैरह खाता है तो, ठीक है,
चलो वो प्लांट नहीं खाता ना बेटा। चलो देखो मैंने और क्या क्या बता दिया था तुम लोगों को। देखो एक मैं वर्ड बता रहा हूँ, अच्छा चलो ये बताना जरा, सिफेलो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? सिफेलो, सिफेलो का मतलब क्या होता है? सिफेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफेलो? ये अलग से आप पीछे लिखो लैटिन लैंग्वेज, पूरे के पूरे पेज भरेंगे तुम लोगों की, डेली पढ़ाई जाएगी लैटिन लैंग्वेज, ठीक है? सिफेलो का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेन। सिफेलो का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेन। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, सिफेलो का मतलब क्या होता है? ब्रेन। और क्या पढ़ाया था मैंने तुम्हें? साइड वगैरह तो पढ़ा दिया ना, वर्मिसाइड वगैरह, और क्या रह गया तुम्हारा? ठीक है हाँ भाई, एक बताना जरा, आर्थो और ऑर्थो दोनों में अंतर क्या है, कौन बता सकता है? देखो जरा आर्थो और ऑर्थो में क्या अंतर है, मैं देखू। देखो भाई आर्थो यानी होता है, सुनना, वो आर्थो यानी होता है जॉइंट्स। जैसे तुमने पढ़ा होगा बेटा, तुम लोग क्या है दिमाग नहीं लगाते। देखो पढ़ा तुमने सब है लेकिन तुम दिमाग ही नहीं लगाते क्योंकि तुमने सोचते ही नहीं हो, तुम तो क्या बस रखते हो। आर्थो पूरा नाम सुना है, जॉइंटेड। आर्थो यानी क्या होता है? आर्थो यानी क्या होता है? ठीक है जॉइंट्स है ना, जॉइंट सुना है, जॉइंटेड। और पूरा यानी लेग्स बेटा, जॉइंटेड लेग्स वाले जानवर, जॉइंटेड लेग्स वाले जानवर बेटा है ना। तो जो जॉइंटेड लेग्स होते हैं हम जानते ही होंगे, जॉइंटेड की लेग्स होती है, ठीक है? इस तरीके से देखिए जॉइंटेड लेग्स, ठीक है? ठीक है मक्खी वही है, ठीक है? तो ये होता है आर्थ्रोपोडा में, किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है? चलो अब सुनते जाना भाई। देखो मॉस्किटो जिनके जॉइंट लेग्स कैसे हो पेयर में और जॉइंटेड पेयर्स के पेयर में, ठीक है? तो आर्थो यानी क्या हो गया बेटा? जॉइंट्स। और ऑर्थो यानी क्या होता है? ऑर्थो, ऑर्थो यानी क्या होता है बेटा? बोन्स, ठीक है? ऑर्थो यानी क्या होता है? बोन्स होता है, ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है? चलो ठीक है, मैंने आपको वैसे ये भी सिखाया था बेटा, ऑस्टियो यानी क्या होता है? बोन्स होता है, ठीक है? और जो है ऑस्टियो लिख लो या ऑर्थो लिख लो बेटा, एक ही बात है, ठीक है? सुनो ऑस्टियो या ऑर्थो एक ही बात है, दोनों का मतलब क्या होता है? बोन्स। एक होता है ऑर्निथो, एक क्या होता है बेटा? ऑर्निथो, और नीथो उसका मतलब होता है बेटा बर्ड्स, उसका मतलब क्या होता है? बर्ड्स, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है? समझ में आ गया? दोनों सेम है, ऑर्थो या ऑस्टियो एक ही बात है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। ऑर्निथो क्या है? ऑर्निथो यानी बर्ड्स होता है। कंफ्यूजिंग होते हैं ये वर्ड्स, समझ लेना भाई इनका मतलब, ठीक है? ऑर्निथो यानी क्या होता है? बर्ड्स। ऑर्थो और ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन्स। आर्थो यानी जॉइंट्स, ठीक है?